अलवर के एक निजी होटल में कांग्रेस की बैठक के बाद राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे से संवाददाता श्री यादव ने बातचीत की। पांडे ने कहा कि समीक्षा बैठक ली है और उसके बाद काम को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी की बात से इनकार किया और राजस्थान में कांग्रेस सेंचुरी के आंकड़े को छू लेने का दावा भी किया। इससे पहले पांडे ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बड़ौदा मेव में एक बैठक ली और कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार में जुटने को कहा। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी सफिया खान के समर्थन में वोट देने की भी अपील की। अविनाश पांडे हैं जो राजस्थान के प्रभारी हैं और अलवर में रामगढ़ का चुनाव होना है। यहाँ बैठक इन्होंने रामगढ़ के और जो प्रभारी लगाए गए पीसीसी की ओर से उन सब लोगों की बैठक ली है। सर, पूरी बैठक में क्या तय किया है? कुछ चीज़ें सामने आई हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी थी, वो भी सामने आई हैं। कुछ संसाधनों को लेकर, चुनाव प्रचार सामग्री को लेकर, वाहनों को लेकर कई सारी शिकायतें हुई हैं। किस तरह कल से गति देंगे नए तरीके से? देखिए, ये चुनाव का हमारे खुद की समीक्षा बैठक है, कोई कमी किसी प्रकार की नहीं है। सब जगह में पूरे जोर शोर से, पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ये हमारे पार्टी की इंटरनल बैठक थी जहां पर निश्चित रूप से इसको और ज़्यादा कैसे मजबूत कर सकते हैं उस पर विचार विमर्श था। मुझे खुशी है कि यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी, यहाँ के जिले के सभी सम्माननीय नेतागण एकजुट होकर और पूरे नियोजन के साथ, प्लानिंग के साथ में इस चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और सभी वर्गों के साथ में कैसे हम और बेहतर संपर्क स्थापित कर सकते हैं उसके बारे में योजना बना के और सुबह शाम तक, और निश्चित रूप से एक पूरे आत्मविश्वास के साथ में हर व्यक्ति ने, हर समीक्षक ने इस चीज़ को जाहिर किया कि ये चुनाव और जनता का जिस प्रकार से उनको प्रतिसाद मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, हम भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। ये लगता है कि कांग्रेस अब सेंचुरी पा लेगी? निश्चित रूप से। देखिए, इसमें ये चुनाव तो काउंटरमांड हो गया है, तो हम तो पहले ही जीत जाते। 7-11 तारीख की चुनाव थी जिसमें ये चुनाव जीत जाते। ये चुनाव कांग्रेस का गढ़ रहा है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में हमने बहुत अच्छा है परफॉर्म किया है और यहाँ पर जिस प्रकार से सभी कार्यकर्ता और एकजुट होकर लगे हुए हैं तो ये और ज़्यादा आसान हमारे लिए। राजस्थान में आपकी बड़ी भूमिका रही है, समन्वय स्थापित करने में भी आपकी बड़ी भूमिका रही। क्या लगता है कि गुटबाजी अब भी कांग्रेस के अंदर जो है वो मुश्किल पैदा करती है कुछ चीज़ों में? मेरे ख्याल से आपका ये प्रश्न ही बहुत गलत है। कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। एकजुट होकर हर बार प्रचार करने की कोशिश की जाती गुटबाजी। कांग्रेस एकजुट है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में माननीय अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, हर एक कार्यकर्ता, जो भी पार्टी का कार्यक्रम है, जो भी दिशा निर्देश दिया जाता है, उसको पूरे ईमानदारी के साथ उसका पालन किया जाता है। देश भर में एक माहौल है सर, और कांग्रेस भी लगातार ये आरोप लगाती है। रामगढ़ चुनाव को लेकर भी ये कांग्रेस का बार बार ये आरोप रहा, बीच में यहाँ के नेताओं का भी रहा, कि भाजपा इस चुनाव को सांप्रदायिक करना चाहती है और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो आपको क्या लगता है कि अभी सेकुलर चुनाव बचे हैं, अभी ऐसी पॉलिटिक्स है यहाँ पर? देखिए, भाजपा के पास में पूरे देश के अंदर में सिर्फ सेक्युलरिज्म को किस प्रकार से धक्का ले जाकर इसको किस प्रकार से पोलराइज करें, यही उनका प्रयत्न, ना ही सिर्फ रामगढ़ में, पूरे राजस्थान में भी यही प्रयत्न रहा, पूरे देश में भी आज यही प्रयत्न चल रहा है। रोज़ जिस प्रकार के नारे, जिस प्रकार की घोषणाएं की जा रही हैं, ये स्पष्ट रूप से बता